जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। फिर से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का सवाल पूछ रहे, एनआरसी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। एक सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दीजिए ना। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है, इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर नागरिकता का प्रोविजन। जितने भी लोगों के नाम एनआरसी के अंदर समाहित नहीं हुए है, ड्राफ्ट जो लिस्ट बार पड़ी है उसमें, वो सभी को ट्रिब्यूनल में जाने का अधिकार है। असम के अंदर हर तहसील के अंदर ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। और ट्रिब्यूनल में जाने के लिए अगर किसी भी नागरिक के पास पैसा नहीं है, जिनका सूची में नाम नहीं आया, तो उसका खर्च भी असम सरकार, उसको वकील करने का खर्च भी असम सरकार उठाने वाली है। और इस सभी को हम व्यवस्था देने वाले हैं कि ट्रिब्यूनल में एक वकील के माध्यम से अपना पक्ष ढंग से रख सके।